हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बड़े से बड़े गियर का आपको मॉड्यूल कैसे कैलकुलेट करना है, जबकि आपको उसका पिच सर्कल डायमीटर मालूम ही नहीं है। दोस्तों, मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत बड़े गियर्स में आपको पिच सर्कल डायमीटर मालूम नहीं होता है, लेकिन आपको निकालना रहता है उसका मॉड्यूल। तो ये काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मॉड्यूल जो है वो पिच सर्कल डायमीटर से ही निकलता है। तो ऐसे में बिना पिच सर्कल डायमीटर के मॉड्यूल कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। अच्छा दोस्तों, रूट क्लियरेंस और बैकलेस के ऊपर बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैंने बनाई है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो उससे रिलेटेड, फॉर्मूला वगैरह सब मैंने वहां पे बताया है। आप चाहें तो देख सकते हैं, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। मॉड्यूल कैलकुलेशन करेंगे हम बिना पिच सर्कल डायमीटर के। ये हमारा पिच सर्कल डायमीटर होता है, जो सेंटर से जाता है और टिथ के बीच सेंटर तक होता है ना। पिच सर्कल डायमीटर एक इमेजिनरी सर्कल होता है, जो कि गियर के टिथ को एडेंडम और डिडेंडम में डिवाइड करता है। तो दोस्तों, एडेंडम जो होता है वो डिडेंडम से थोड़ा छोटा होता है। अगर हमारे पास पिच सर्कल डायमीटर होता है तो हम फॉर्मूला से निकाल लेते हैं मॉड्यूल को। मॉड्यूल इज इक्वल टू पिच सर्कल डायमीटर इन एमएम अपॉन नंबर ऑफ टीथ, यानी कि पिच सर्कल डायमीटर को एमएम में लेकर उसको नंबर ऑफ टीथ से डिवाइड कर देते हैं तो मॉड्यूल निकल जाता है। लेकिन हमको पिच सर्कल डायमीटर अब नहीं मालूम है, तो ऐसे निकालेंगे। हम यहाँ पर एक टीथ ले लिए हैं, ये उस टीथ का एडेंडम है, और एक एडेंडम एक मॉड्यूल के बराबर होता है। नीचे वाला हिस्सा डिडेंडम है, और ये ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा टीथ का लेंथ है ना। तो हमको खाली टिथ का लेंथ कैलकुलेट निकालना है। हम मेजर कर सकते हैं आसानी से किसी भी गियर का टिथ का लेंथ। अब आप टिथ का लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे एमएम में, उसके बाद ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिए, एडेंडम जो होता है एक मॉड्यूल के बराबर होता है, ठीक है। डिडेंडम जो होता है 1.157 मॉड्यूल के बराबर होता है ना। अब क्योंकि गियर का टिथ में एडेंडम और डिडेंडम को मैं जोड़ दूं, तो मेरे को टोटल टिथ का लेंथ निकल जाएगा, यानी टिथ का लेंथ निकाल लेंगे। टिथ का लेंथ जो होगा वो होगा एडेंडम प्लस डिडेंडम। अब टिथ का लेंथ को मैं एमएम में ले लिया हूं, उसके बराबर में मैं ये एडेंडम जो होता है एक मॉड्यूल होता है, डिडेंडम होता है 1.157 मॉड्यूल, दोनों को जोड़ दूंगा तो टिथ का लेंथ आ जाएगा। टिथ का लेंथ मैं निकाल लिया रहूंगा एमएम में, है ना। और इधर आ गया आपका मॉड्यूल, ये हो जाएगा 2.157 मॉड्यूल। वन मॉड्यूल प्लस 1.157 मॉड्यूल कितना हो गया, 2.157 मॉड्यूल। अब मैं 2.157 को टिथ का जो लेंथ है उसको डिवाइड कर दूंगा 2.157 से, तो मेरे को यहां पर मॉड्यूल निकल के आ जाएगा मेरे सामने। तो दोस्तों, आप यहां से समझ गए होंगे क्लियर। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूं। ये है आपका टिथ लेंथ, है ना, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आपको रूट से लेना है। ऊपर का एडेंडम है और नीचे का डिडेंडम है, यानी एडेंडम और डिडेंडम को आप जोड़ेंगे तो टिथ का लेंथ यहाँ पे आ जाएगा। तो अब तो आप समझ गए होंगे, यानी कि सिंपल मॉड्यूल का फॉर्मूला यहां से निकल के आ रहा है, टिथ लेंथ इन एमएम, जो टिथ का लेंथ है एमएम में, अपॉन 2.157। तो इस फॉर्मूले से आप बड़े से बड़े गियर और छोटे से छोटे गियर के मॉड्यूल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रूट क्लियरेंस, बैकलेस, इन सब का फॉर्मूला नहीं मालूम है और क्या होता है इसके बारे में कंफ्यूजन है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने गियर टर्मिनोलॉजी का भी वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।